हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इमरजेंसी मूवी का ट्रेलर। इसकी स्टोरी क्या है, स्टार कास्ट में कौन कौन शामिल है, कब रिलीज होगी, फुल डिटेल आपको बताने वाला हूं। तो प्लीज वीडियो पर अंत तक बने रहना, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी इसकी देने वाला हूं। साथ ही दिखा रहा हूं आपको इसका ट्रेलर। तो इमरजेंसी मूवी जिसमें कंगना रनावत लीड रोल में नजर आने वाली हैं। वो इसकी एक्टर के साथ साथ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी हैं। इमरजेंसी मूवी इंदिरा गांधी की बायोपिक पर बनी हुई है। इस मूवी में आपको बताया जाएगा, दिखाया जाएगा भाजपा पार्टी कैसे बनी, 1971 का युद्ध भारत पाकिस्तान का, इमरजेंसी कैसे लागू हुई, कब लागू हुई, उस समय भारत की जनता ने क्या क्या दुख झेला, भारत के विपक्षी नेताओं के साथ क्या क्या हुआ, बांग्लादेश किस तरह से बना, भारत सरकार पर किस तरह के प्रेशर बनाए गए 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान, बांग्लादेश कैसे बना। साथ ही खालिस्तान जिसको अब हम काफी देख रहे हैं, चर्चाओं में है, उसके बारे में भी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी इस मूवी में आपको मिलने वाली है। तो इस तरह से इमरजेंसी राजनीतिक ड्रामा फिल्म है। अगर इसकी स्टार कास्ट की बात करूं तो इसमें मुख्य भूमिका में आपको कंगना रनावत, अनुपम खेर, शेरिश तलपड़े, महिमा चौधर, मिलीन सोमन, सतीश कौशिक जैसे कलाकार महत्वपूर्ण राजनेताओं की भूमिका में आपको नजर आने वाले हैं। यह है मूवी काफी हद तक इमरजेंसी के बारे में आपको बताएगी। साथ ही 1970-75 के बीच भारत के विदेशों के साथ कैसे संबंध थे, किस तरह से भारत सरकार कार्य करती थी, 1971 भारत पाकिस्तान का युद्ध और जो 21 महीने का आपातकाल 1975 में भारत में लगा था, ये उसके बारे में तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाली है। तो 7 सितंबर 2024 को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। जैसे रिलीज हो जाएगी उसके एक दो दिन बाद आपको इस मूवी का लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उस पर तमाम नई नई मूवी के लिंक आपको मिल जाते हैं, फ्री में आप देख सकते हो घर बैठे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के साथ दबाकर आल पर क्लिक करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना न भूलना, क्योंकि तमाम नई नई मूवी के ट्रेलर आपको यहाँ पर